खबर मंगलोर से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और सीओ मंगलौर ने कोतवाली में ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने त्योहारों को लेकर सभी को निर्देशित किया, साथ ही कहा कि त्योहार पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहर में असामाजिक शरारती तत्वों और गतिविधियों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। त्यौहार को लेकर आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब और मेरे द्वारा यहाँ पे जनता कोतवाल मंगलौर द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और प्रधान, हमारे सीएलजी मेंबर्स आदि को बुलाया गया था। ये होली के परिपेक्ष में शांति व्यवस्था की मीटिंग थी और इसमें सभी से चर्चा की गई कि होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाया जाए, किसी गाँव में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई नए विवाद है, इस संबंध सब पे चर्चा की। होली का त्यौहार आ रहा है तो उसमें जैसे कि है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो हमने सारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई है इसमें, और सबको ये इन्फॉर्म करें कि कोई भी अगर इशू होता है छोटा बड़ा वो हमें हम इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, ताकि हम सब जो भी सपोर्ट स्टाफ है वो मौके पे पुलिस पहुँचे या जो भी है वो मौके पे पहुँच के उसका तत्वरित से निस्तारण करें।